जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज सुबह हमने दिखाया था एक एसएससी सीजीएल में रैंक 69 संदीप ने, पुलिस लाइन का लड़का ने निकाला था। हजारीबाग के लिए गर्व की बात यह है कि पूरे भारत में एसएससी सीजीएल में जिसने रैंक 1 निकाला है वो इचाक से हैं, हजारीबाग के इचाक से हैं। नाम है ऋषभ, अभी वो दिल्ली में है लेकिन हमसे वीडियो कॉल पे जुड़े हुए हैं। आइए हम लोग उनसे आपकी बात कराते हैं, कैसे उन्होंने निकाला और क्या कर रहे हैं अभी। तो बहुत बहुत सो मच। आपने जर्नी शुरू की और अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं वैसे बैंक में नौकरी कर रहा हूँ, पीएनबी में। दिल्ली में ही मेरी पोस्टिंग है और जर्नी मेरी जो शुरू हुई थी मेन एसएससी के लिए अगर आप बोलो तो फिर वो लॉकडाउन में शुरू हुई थी। जब लॉकडाउन लगा था तब वो क्लासेस हो नहीं रही थी, ऑनलाइन क्लासेस थी बट वो फिजिकल क्लासेस हो नहीं रही थी। तब मैं घर में टाइम को यूटिलाइज किया जाए थोड़ा एसएससी का तैयारी करने के लिए, तभी फिर मैंने यूट्यूब देखे, उसमें वीडियोस देखी, क्लासेस क्लासेस की, तभी से तैयारी शुरू हुई। तो और लगभग 1-1.5 साल की तैयारी हुई मेरी, फिर जाके ये इधर अभी जाके ऋषभ सीजीएल। जी, पूरे भारत में लाखों लोग देते हैं ये एग्जाम और रैंक 1 आ रहा है, आप हजारीबाग। सही बोले तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब ये होता है ना कि कोई कभी सोचा ना हो वो चीज मिल जाए तो वो थोड़ा बताना थोड़ा मुश्किल होता है कि उस समय फील कैसा हो रहा है। वो एकदम से सडन हो गया ना वो चीज, तो ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है इतने सालों की मेहनत मेरी रंग लाई, जो मेरे पेरेंट्स ने किया, घर वालों ने किया, जितने टीचर्स मिले आज तक सबके लिए, मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो उन सब ने मुझे तो सपोर्ट किया, एट लास्ट जाके उनका फल मिला है कुछ अच्छा। बिल्कुल। तो देखिए, और कैसे आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, उसके बाद ग्रेजुएशन कहाँ से किया और फिर जो एग्जाम्स निकाले हैं और आगे क्या करना है, मतलब यूपीएससी की भी तैयारी करना है कि क्या करना है? स्कूलिंग तो पहले सबसे पहले वहां सैनिक स्कूल से हुई थी 12th तक। 18 मैंने सैनिक स्कूल पास किया 12th में, उसके बाद फिर जेएनयू आया, जेएनयू में ग्रेजुएशन किया। जेएनयू आना भी मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि दिल्ली में आया, दिल्ली में वो माहौल मिलता आपको थोड़ा पढ़ने का। हो सकता अगर दिल्ली ना आता तो मेरे दिमाग में उतना ख्याल भी ना आता कि इस चीज की तैयारी करूँ, तो ये बहुत मेरे लिए बेनिफिशियल हुआ। अभी एसएससी हो गई तो ये तो है कि इंसान को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो कोशिश तो पूरी रहेगी कि अभी एसएससी में हूँ तो आगे आगे भी सोचूं। अब देखते हैं वो होता है कि नहीं होता है, बट उम्मीद पूरी है कि आगे बढ़ूं, आगे कुछ और करूं, अगर हो सका तो आईएएस भी बनूं। आईएएस की तैयारी आप करेंगे आगे, ऐसा सोच रहे हैं? जी हाँ, कोशिश तो करते रहने चाहिए इंसान को जहां तक मुझे लगता है। और जैसे जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देंगे बहुत सारे एग्जाम्स का, उनके लिए क्या आप मैसेज देना पड़ेंगे, कैसे वो तैयारी करें, क्या करें अभी? देखिए आजकल जो तैयारी हो रही है ना, आजकल ऑफलाइन क्लासेस छोड़ के जनरली ऑनलाइन क्लासेस होती है। आजकल बहुत कम लोग हैं जो ऑफलाइन प्रेफर कर रहे हैं, ऑनलाइन में बहुत फायदे, आप घर में बैठ के फायदे कर सकते हो, बट ये है कि फिर ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत आ जाते हैं ना। आप यूट्यूब खोल रहे हो वीडियोज देखने के लिए, कुछ और चलता है, तो ये सबसे ज्यादा ये है कि अपने आपको ना डिस्ट्रैक्शन से बचा कर रखना पड़ेगा। लोग कोचिंग क्लासेस ले लेते हैं, खोल लेते हैं, सोचते पढ़ेंगे, बट बहुत बार होता है मोटिवेशन के चक्कर में आदमी ना यूट्यूब में बस वो मोटिवेशन के लेक्चर्स में रह जाते हैं। तो ये है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचे, थोड़ा फोकस रहे, 3-4 महीने अगर कोई फोकस करके सही से पढ़ ले तो फिर वो तो आपके लिए आसान हो जाता है आगे कोई भी एग्जाम निकालना। तो बस यही है कि थोड़ा फोकस बनाए रखे अपना अच्छा से। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, और आपके परिवार वाले से बात करेंगे, आपके बारे में थोड़ा और हम लोग जानेंगे। तो ऋषभ जी के फादर हैं हमारे साथ, क्या करते हैं मैं तो सरस्वती विद्या मंदिर जलोन में शिक्षक हूँ। आप? अच्छा, तो आप टीचर हैं, आपके बेटे ने रैंक 1 निकाला है पूरे इंडिया में, कैसा लग रहा है सबसे अभी? पहले इसके लिए आपको धन्यवाद कि आप बरसात में मेरे घर आए हैं, ये तो गर्व की विषय है। उम्मीद नहीं था कि सफलता 100% थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रैंक 1 आएगा ऐसा उम्मीद नहीं था। बिल्कुल। बिल्कुल आपने कभी रैंक 1 लाया था अपने स्कूल लाइफ में? मतलब वास्तविकता बताते हैं, कंपटीशन में सक्सेस तो करवे नहीं किए थे, रैंक 1 तो बात कहाँ गई। बेटा भी ले आया रैंक 1, गर्व की बात है पूरे पेपर पूरे अखबार में छाए हुए पूरे हैं परिवार पूरे के दुनिया लिए। में। हाँ, इसके लिए तो सबसे बड़ी रैंक लाने में हमारे बड़े भैया हैं, जाने माने गणित शिक्षक हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब बच्चा 6th में था तो उस समय 9th तक तैयारी करवाए थे। अच्छा, तो आप क्या मैथ पढ़ाते मैं हैं? भी मैथ था और शुरू से ही उसका मैथ में बहुत मैंने अच्छा विचार रहा अच्छा और बहुत ही माइन्यूट रूप में वो सीखता था, अच्छा बहुत डीप जाता था। कुछ जगह पर हमको भी सजेस्ट करा, बड़े पापा इस तरह की तो मानते थे। अच्छा अब जहाँ भी कोचिंग में गया उसको जांच किया गया, थोड़ा
थोड़ा सा मैंने एक फॉर्म फिलअप के लिए उसको करवाए थे तो लेने में इनकार किया। तो उनको टेस्ट ले लिए जाए, मतलब अगर बहुत क्लोज थे हमारे कि ले लिए जाए, अगर सक्षम है तो लिया जाए और नहीं तो बैक हो जाएंगे। 10 प्रश्न उन्होंने दिया और 10 में मैंने उसको जांच के लिए 8 प्रश्न तो गलत दिया। अच्छा। और 2 ही सही था। अच्छा। अब 2 तो सही बनाया और बाकी सब में आंसर इज रॉन्ग आंसर लिख ही दिया। अच्छा। अब बाद में जब उसको पूछे कैसे गलत है तो बोला कि अभी तो उतना मैच्योर नहीं है लेकिन हम ये कन्फर्म है कि बिल्कुल ही गलत है। कैसे कि बड़े पापा हमको बताए हैं तो ये गलत है तो गलत है। बाद में उनसे बड़े किशोर जी से पूछे तो बोले कि नहीं बिल्कुल ठीक है लड़का। तो आपका पूरा गाइडेंस रहा है मैथ पढ़ाने में? हाँ, मैथ मैथ्स और साइंस ऐसे इस क्षेत्र में पूरा अजय सर के नाम पर मैं प्रसिद्ध हूँ। अच्छा। किसी को भी चाक मोड़ जो टर्न लिए वहाँ से किसी दुकान किसी भी मकान में पूछेंगे कि अजय अग्रवाल पूछेगा नहीं बताएगा। अच्छा। अजय सर कौन है बता देगा, परफेक्ट बताएगा। बिल्कुल। तो देखिए कैसे एक पूरा परिवार का जो सपोर्ट था जिसके वजह से उनको रैंक बनाया है, इनके भैया हैं जो बैंक में काम करते हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको अभी, आप पहली बार जब सुने दोस्तों से? बिलीव नहीं हुआ बट ऐसा लग रहा था कि ये तो क्वालिफाई करेंगे क्योंकि मार्क्स को देखते हुए लगा कि हाँ ये तो क्वालिफाई करेगा ही। तो लास्ट ईयर में बोला था तो क्यों बैंक ज्वाइन कर रहे हो, उसमें तो ये रहता है एग्रीमेंट रहता है विद इन 2 ईयर्स छोड़ोगे। तो घर का प्रेशर था कि नहीं ज्वाइन करना, पहला नौकरी है तो कर लिया जाए। अच्छा। घर के प्रेशर में ज्वाइन किया तो हमको और ऋषभ को पता था कि हो ही जाएगा। अच्छा। बट एक थोड़ा सा डर भी होता है ना कि होगा कि नहीं होगा, इसीलिए दूसरा चांस रखे हुए इसलिए उसमें उसको ज्वाइन करवा दिया। लेकिन रैंक वन क्या आप सोचे थे कि रैंक वन एक्सपेक्ट नहीं था लेकिन मुझे लग रहा था कि विद इन 100-200 में आ जाएगा। अभी ये किस पोस्ट के लिए गए हैं मतलब जाएंगे? एसएससी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरी। अच्छा। सेक्रेटरिएट में उसका वही शुरू से ऑप्शन वही डाला हुआ था क्योंकि उसका मेन टारगेट था कि सीएसएस में सेक्रेटरिएट में ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, 5 डेज वर्किंग रहेगा। अच्छा। और उस पर उसका फोकस रहेगा कि हम यूपीएससी कंप्लीट कर ले विद इन जो भी उसका टाइम फ्रेम रखा है उसमें वो अचीव कर लेगा। हम लोग को पूर्ण उम्मीद है कि वो निकालेगा और वो अच्छा रैंक से निकालेगा। बिल्कुल। और ये भी उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो मम्मी कहाँ हैं उनके? आप हैं तो बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कितना पढ़े लिखे हैं? जी हम 10 पास हैं। 10 पास बोर्ड एग्जाम रैंक वन ले आया पूरा इंडिया में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप सोचे थे कि मतलब ऐसा रैंक नहीं सोचे का आएगा? नहीं सोचे थे, बहुत खुशी लग रहा है। बाहर रहता है, दिल्ली में रहता है तो दूर रहता है तो बात रोज होती है, क्या होता है? बात होती है रोज, बात होती है रोज, बात होती है। पढ़ाई वढ़ाई के बारे में बताता है? बताता है, पूरा पूरा बताता है। और यहाँ जब था आपके देख रेख में तब कितना घंटा पढ़ता था? वो पढ़ते ही रहता था, पापा साथ जाते रहता था। अच्छा, मतलब रेगुलर? हाँ रेगुलर, पापा ट्यूशन पढ़ाने जाते थे ना तो जाते रहता था। हम बोलते थे कि कम पढ़ो लेकिन बोलते थे नहीं मम्मी कम पढ़ने के लिए बोलते थे। हाँ, बोले थे रेस्ट करो तो बोलते थे नहीं मम्मी रेस्ट करेंगे तो कैसे पढ़ाई होगा। हम बोले जब अभी बैंक से आता है जॉब करके तो बोले थोड़ा सा रेस्ट करो तो बोले नहीं मम्मी पढ़ेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे। तैयारी करते हैं, अभी तैयारी करते हैं, जॉब भी कर रहे हैं और घर आके पढ़ाई करते हैं। तो हम बोले एक दिन बेटा थोड़ा सा और रेस्ट कर लिया करो, थक जाते हो तो बोले नहीं मम्मी थकेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे। बड़ा गोल है उनका है ना? हाँ बहुत। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है? बड़ी मम्मी जलन होता होगा क्या, ऐसा होता है? अभी बच्चे से उसको बोलते थे बेटा पढ़ाई करो, क्या हम लोग को फैमिली बहुत लो भी है, पढ़ाई करेगा तभी आगे जाएगा बेटा, हम लोग को कुछ पुराना संपत्ति भी नहीं है, मन लगा के पढ़ो। तो बोलते थे तो बच्चा बहुत सुनता था, जो बोलते थे वो बात सुनता था करता था। तो वही परसों बोले बेटा बहुत बच्चा में डांट सुनता था, सफल मिला ले तो परसों फिर मेरा आँख से आंसू आ गया खुशी से, खुशी के आँख से आंसू आ गया। बहुत इतना अच्छा करेगा, हम लोग सोच भी नहीं सकते। परिवार मम्मी है, ठीक है, आप लोग सब ज्वाइंट देख कर भाभी है। तो देखिए पूरा जो परिवार है इनका वो किस तरह से खुश हो गया है रैंक वन लाके, और सच में बहुत बड़ी बात है पूरे भारत में रैंक वन हजारीबाग में लाके। तो ऋषभ से जाते जाते हम लोग बात करेंगे, और तो देखिए पूरे परिवार से बात किया, ऐसा लग रहा है कि आपका जो बड़ा गोल है वो भी पूरा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पता चला कि आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं अपने बैंक के साथ साथ। कैसे मतलब माइंड को कैसे स्टेबल रखते हैं क्योंकि बहुत प्रेशर भी रहता है बैंक जॉब में? प्रेशर तो है बट वो मतलब मैंने सोच लिया, एम फिर पूरा ना होना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बस मेरे को है कि किसी ना किसी तरह करना है, अपना ड्रीम पूरा करना है, बाद में जाके ये ना हो कि मैं ये सोचूं कि मैंने उतना मेहनत नहीं किया, थोड़ा ड्रीम से चूक गया।
कि वो फिर ना हमेशा खाता रहेगा वो चीज, तो बस है थोड़ी मुश्किल तो होती है, बट वो स्टार्टिंग कोई भी स्टार्ट करो नया नया चीज मुश्किल होती है, बट वो धीरे धीरे आप हैबिट बना लोगे, थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन लाओगे तो चीजें हो जाती है। मुश्किल हो बट नामुमकिन तो नहीं है कोई भी चीज, बिल्कुल बस वही कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक, आप जरूर आईएएस निकालेंगे, अभी कनेक्ट रहिएगा ना। बड़ी बात तो गाइड, आपने क्या गाइड किया उन्हें? हाँ, हमेशा सपोर्ट किया पढ़ने के लिए, वो तो पहले से बहुत ही टैलेंटेड था, जब 6 में था तब भी एमसी का क्वेश्चंस क्रैक कर लेता था, अच्छा इतना ज्यादा टैलेंटेड था। तो इसी जेएनयू निकालना ही बहुत टफ होता है, इतना खानी तो होता नहीं। हाँ, बट डिसीजन ये उसका खुद ही का था, अच्छा, जेएनयू ज्वाइन करने का, खुद से जाना। हाँ, खुद ही से डिसीजन लेने का था। हम लोग तो हजारीबाग में रखना चाह रहे थे, बट वो खुद डिसाइड किया जेएनयू में पढ़ेगा और आगे तैयारी करेगा, सब कुछ उसका खुद ही का है, बट हम लोग का सपोर्ट पूरा रहा है हमेशा से। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से हजारीबाग के लिए आज गर्व की बात है, दो लोगों ने निकाला है एसएससी, और जिसमें एक रैंक 69 और एक रैंक 1 भी हजारीबाग से है। सोचिए इतना बड़ा देश, कितने स्टेट्स, उसके बाद इतने लोग भरते हैं, लाखों लोग भरते हैं, उसमें रैंक 1 आना कितनी बड़ी बात है, और वो भी हजारीबाग के इचाक बाजार से ये लड़का है, रैंक 1 आया है, बहुत गर्व की बात है। पूरा परिवार जो है वो खुश है यहाँ पे। इसी के साथ आज हम लोग बरसात में भी आ गए कवर करने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टोरी था, रैंक 1 लाना, कैसे तैयारी करते हैं, क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, इचाक से, जोहार, हजारीबाग।